हाय, मैं हूं राकेश नायक, आपका फिर से स्वागत है। आज हम डेप्थ फर्स्ट सर्च के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक ग्राफ ट्रैवर्सल एल्गोरिथम। इससे पहले कि हम शुरू करें, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम ये देख चुके हैं कि ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन खाली ग्राफ को रिप्रेजेंट करने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि ये ग्राफ के हर एक वर्टेक्स को हमको ट्रावर्स भी करना है, हर एक वर्टेक्स को जाना भी है। तो इस तरह का चीज जो हम करते हैं, हम उसको ग्राफ ट्रावर्सिंग कहते हैं। तो बेसिकली ग्राफ ट्रावर्सिंग या फिर ग्राफ सर्चिंग क्या होता है, एक सिस्टमेटिक फॉलो अप, जिससे कि हम एक वर्टेक्स से शुरू करते हैं, थ्रू एन एज और एक वर्टेक्स में जाते हैं, इस तरह से जाते जाते सारे के सारे वर्टेक्स को कवर करते हैं। इसी को हम ग्राफ सर्चिंग कहते हैं या फिर ग्राफ ट्रैवर्सल कहते हैं। बेसिकली ग्राफ ट्रैवर्सल दो तरह का होता है, एक तो है ब्रेथ फर्स्ट सर्च और दूसरा है डेप्थ फर्स्ट सर्च। हम इस वीडियो में डेप्थ फर्स्ट सर्च के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि हम डेप्थ फर्स्ट सर्च को पूरी तरह से जाने, इसका एप्लीकेशन कहां कहां पर है उसको देख लेते हैं। डेप्थ फर्स्ट सर्च को हम एक ग्राफ की कनेक्टिविटी चेक करने के लिए यूज करते हैं, इसको हम एक ग्राफ में साइकिल है या नहीं उसको चेक करने के लिए देखते हैं, और डेप्थ फर्स्ट सर्च को हम आर्टिकुलेशन पॉइंट फाइंड करने के लिए भी यूज करते हैं। सो इससे पहले कि हम शुरू करें, चलिए जनरल टर्म्स जो हम यूज करने वाले हैं उसको देख लेते हैं। पहला है डेप्थ फर्स्ट फॉरेस्ट। बेसिकली ये डेप्थ फर्स्ट सर्च करने के लिए हमको एक डेप्थ फर्स्ट फॉरेस्ट चाहिए, जिसमें कि हर एक वर्टिसेस एक सेपरेट ट्रीज होंगे। हम कोई एक वर्टेक्स से शुरू करेंगे और ग्रेजुअली एक के बाद एक वर्टेक्स को उसमें ऐड करते जाएंगे, जब तक कि हमको एक डेप्थ फर्स्ट ट्री ना मिल जाए। सेकंड डेफिनेशन है ट्री एज। अगर एक ग्राफ दिया है और हम डेप्थ फर्स्ट सर्च फाइंड कर रहे हैं, मतलब एक अनविजिटेड वर्टेक्स को हम विजिट कर रहे हैं, उस अनविजिटेड वर्टेक्स को कैसे विजिट करेंगे, थ्रू एन एज। सो इसी एज जो है वो ट्री का एक पार्ट हो जाएगा, तो इसी एज को हम ट्री एज कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहां पर वर्टेक्स 5 को हम अभी तक ट्रावर्स नहीं किए हैं, तो अगर हम वर्टेक्स 5 को ट्रावर्स करेंगे तो ये जो एज डिफाइन है थ्रू वर्टेक्स 7 एंड 5, थ्रू ये एज ही हम ट्रावर्स कर पाएंगे, तो इसी एज को हम ट्री एज कहेंगे। और एक डेफिनेशन है बैक एज। बैक एज वही एज होता है, वो वर्टेक्स अपना एंसेस्टर को पॉइंट करता है, उसको हम बैक एज कहते हैं। वर्टेक्स 5 का दो पैरेंट है यहां पर, 7 और 2। अगर हम इस तरह से ट्रावर्स करते हैं, जैसे कि 1 to 7 और 7 to 5 को ट्रावर्स किए, लेकिन 5 से फिर हम 2 को जाएंगे, जबकि 2 जो है 5 का पैरेंट है, इस तरह का अगर हमको एक एज मिलता है तो इसको हम बैक एज बोल के कहते हैं। चलिए इसका स्टेप्स देख लेते हैं। पहले तो ये करेंगे, कोई एक अनविजिटेड वर्टेक्स से शुरू करेंगे, तो उसको विजिट करेंगे और उसको करंट नोड नाम देंगे। सेकंड में जो अनविजिटेड वर्टेक्स को अभी हम विजिट किए उसके नाइबर्स को देखेंगे, और उस नाइबर्स को हम विजिट करके उनको हम करंट नोड बोल के मार्क करेंगे। थर्ड पॉइंट में अगर ये पर्टिकुलर वर्टेक्स का कोई एक करंट नाइबर नहीं है तो हम बैक ट्रैक करेंगे उसका पैरेंट को, और वहां पर सर्च करेंगे कि कोई एक अनविजिटेड वर्टेक्स है क्या। फोर्थ स्टेप में स्टेप 2 और स्टेप 3 को रिपीटेडली करेंगे, जब तक के सारे वर्टेसेस कवर ना हो जाए। और स्टेप 5 में स्टेप 1 से शुरू करके बाकी वर्टिसेस को भी कवर करेंगे। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। चलिए ये ग्राफ दिया है, इस ग्राफ का हम डेप्थ फर्स्ट सर्च से डेप्थ फर्स्ट ट्री फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमको वर्टिसेस दिए हैं 1 to 8 और एक एरे है जिसका की नाम है विजिटेड। इसका मतलब क्या है, यहां पर आइदर हम 0 लिखेंगे या फिर 1 लिखेंगे। अगर वर्टेक्स 1 की बाजू में 0 लिखा है, इसका मतलब वर्टेक्स 1 अभी तक विजिट नहीं किया गया है।
अगर वर्टेक्स वन के बाजू में अगर यहाँ पर वन लिखे तो इसका मतलब वर्टेक्स वन विजिटेड है। डेप्थ फर्स्ट सर्च को इंप्लीमेंट करने के लिए स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को हम लेते हैं। तो कोई भी एक वर्टेक्स से शुरू करना है तो चलिए वर्टेक्स वन से शुरू करते हैं, तो इसको हम मार्क कर देंगे विजिटेड और इसको हम पुश कर देंगे स्टैक में। सो इसको मार्क कर दिए और इसको पुश कर दिए स्टैक में और वर्टेक्स वन को विजिटेड करके वन करके मार्क कर दिए, इसका मतलब ये वर्टेक्स वन विजिटेड हो। सो इसको फिर हम पॉप करेंगे, टॉप ऑफ द स्टैक में वन है तो वन को पॉप करेंगे, लेकिन इससे इसका जो एडजेसेंस वर्टिसेंस है 7, 2 और 4 उसको स्टैक में पुश करेंगे। तो 7, 2 और 4 पुश हो गए और यहां पर इसको हम मार्क कर दिए कि ये अब तक हम विजिट नहीं किए लेकिन ये विजिट करने वाले हैं, ये स्टैक में है अभी तक। तो टॉप ऑफ द स्टैक में है 7, तो 7 को हम पुश करने वाले हैं और उसके जो एडजेसेंस वर्टिसेस है 5 इसको हम मार्क कर दें, इसको हम पुश कर दिए स्टैक में। तो यहां पर 7 भी मार्क हो गया जैसे कि इसको हम विजिट कर चुके हैं। तो टॉप ऑफ द स्टैक में है 5, तो 5 को हम ट्रैवर्स करने वाले हैं तो इसको हम पॉप करेंगे और इसके जो एडजेसेंस वर्टिसेस है 2 उसको हम पुश करने वाले हैं अगर ये विजिटेड नहीं है तो। लेकिन ऑलरेडी ये रेड मार्क है इसका मतलब ऑलरेडी ये स्टैक में है तो हमको कुछ भी करना नहीं है, तो इसको खाली मार्क कर देना है विजिटेड। सो वर्टेक्स 5 की जगह हम 1 लिख दिए। अभी टॉप ऑफ द स्टैक में है 2, तो 2 को हम पॉप करेंगे और लेकिन इससे पहले कि हम पॉप करें उसके एडजेसेंस वर्टिसेस उसको हम पुश करेंगे। सो वर्टेक्स 2 के एडजेसेंस वर्टिसेस है 5 और 6, 5 तो ऑलरेडी ट्रैवर्स्ड है और विजिटेड है तो वर्टेक्स 6 को हम मार्क करेंगे, उसको हम टॉप ऑफ द स्टैक में लिखेंगे और इसको हम मार्क करेंगे। तो टॉप ऑफ द स्टैक में अभी क्या है 6, सो 6 को हम पॉप करेंगे लेकिन इससे पहले इसका एडजेसेंस वर्टिसेस जो है इनको हम पुश करेंगे। तो 6 का एडजेसेंस वर्टिसेस है 4 और 3, 4 ऑलरेडी स्टैक में है तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, तो 3 को हम मार्क करेंगे और इसको हम पुश करेंगे स्टैक में। 6 पॉप होने के बाद उसकी जगह में आ गया 3, तो टॉप ऑफ द स्टैक में है अभी 3, तो उसको हम पॉप करेंगे लेकिन इससे पहले इसके वर्टेक्स 3 के एडजेसेंस वर्टिसेस जो कि है वर्टेक्स 8 इसको हम पुश कर देंगे। सो ये मार्क हो गया वर्टेक्स 3 विजिटेड और वर्टेक्स 8 हम स्टैक में इंक्लूड कर लिए। तो टॉप ऑफ द स्टैक में है 8, तो 8 को हम पॉप कर दिए और इसका कोई एडजेसेंस वर्टेक्स नहीं है लेकिन इसको अगर वो पॉप कर भी देंगे तो स्टैक एम्प्टी नहीं होगा, इसलिए हम बैक ट्रैक करेंगे। तो इसलिए हम बैक ट्रैक कर दिए और टॉप ऑफ द स्टैक में है 4, तो 4 का भी हम मार्क कर दिए और इसको हम ट्रैवर्स कर लिए। तो अभी क्या हो गया, स्टैक हो गया एम्प्टी। अभी हमको क्या मिला, सारे के सारे वर्टिसेस ट्रैवर्स्ड हैं और स्टैक है एम्प्टी, अभी हमको कुछ नहीं करना है। इसलिए ये हो गया हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च का ट्री। तो चलिए इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं, एल्गोरिथम डेप्थ फर्स्ट सर्च और वर्टेक्स भी। सो फर्स्ट वर्टेक्स के लिए हम 1 लिख दिए क्योंकि उसका मतलब फर्स्ट वर्टेक्स जो है हम विजिट कर रहे हैं और ये वर्टेक्स के जितने भी एडजेसेंस वर्टेक्सेस हैं, मान लीजिए एक्स इसका नाम दे रहे हैं, तो अगर ये वर्टेक्स 0 है तो इसको हम DFS में फिर कॉल करेंगे। सो DFS X हो जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस तब तक चलेगा तब तक कि सारे के सारे वर्टिसेस कवर ना हो जाएं। तो चलिए इसका कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। अगर हमको डेप्थ फर्स्ट सर्च में डेप्थ फर्स्ट ट्री निकालना है तो सारे के सारे वर्टिसेस हमको कवर करने हैं, तो इसका मतलब सारे के सारे वर्टिसेस एक बार तो कम से कम विजिट होंगे होंगे और ये वर्टिसेस को कवर करने के लिए हमको HSP चाहिए। तो इसीलिए इसका कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बिग ओ ऑफ नंबर ऑफ वर्टिसेस प्लस नंबर ऑफ एजेस। सो ये वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए और ऐसे ही सीखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड से। तो फिर मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय।